हे एवरीवन, क्या हाल है। होप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा बस एक क्लिक के अंदर। गाइस, आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी एक क्लिक के अंदर कुछ इस टाइप का एडिटिंग कर पाओगे। बस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, ठीक है। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी जान, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जल्दी ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको PNG प्रीसेट बैकग्राउंड फ्री में मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ ज्वाइन करो। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन के अंदर लाइट रूम ऐप को ओपन करना होगा और लाइट रूम ऐप के अंदर आपका फोटो को भी ऐड कर लेना, ठीक है। और फोटो ऐड करना नहीं आता तो एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रीसेट को ऐड कर लेता हूँ। ये क्लिक के अंदर इस टाइप का फोटो एडिटिंग हो जाएगा जैसा मैं आपको दिखाया पहले, ठीक है। तो मैं प्रीसेट को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। ये वाला प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और एडिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं ऐड कर लिया हूँ, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो अभी हो गया है, देख सकते हो 1 photo सक्सेसफुली इनपुट। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला प्रीसेट है, ये वाला प्रीसेट का तो लिंक आपको बता दिया हूँ कहाँ पे मिल जाएगा। इस टाइप का प्रीसेट और भी चाहिए तो हमारे वेबसाइट को विजिट करो, बहुत प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है। बस एक क्लिक के अंदर आप भी इस टाइप का एडिटिंग कर पाओगे। तो आपको क्या करना होगा गाइस, आपको बस यहाँ पे ऊपर 3 dot मिल जाएगा, 3 dot पे क्लिक करके आपको कर लेना है कॉपी सेटिंग्स, ठीक है। कॉपी सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पे राइट कर दो ऊपर, देख सकते हो इतना आपको बस करना है। और ये देख सकते हो एकदम नॉर्मल फोटो है, एकदम रॉ फोटो जिसको कहते हैं। 3 dot पे क्लिक करो और पेस्ट कर दो, इतना काम आपको करना है गाइज, देख सकते हो एक क्लिक के अंदर इस टाइप का हो जाएगा। देखो फेस भी गोरा हो गया है ना। तो गाइज, आपको कुछ इस टाइप से करना होगा। इसके बाद गाइज, यहाँ पे फेस को स्मूथ करना चाहते हो, गोरा करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। बस ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर फोटो को शेयर कर दो। तो गाइज, फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फेस को स्मूथ करना होगा। फेस को स्मूथ करने के लिए गाइज, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पेंसिल वाला आइकन मिल जाएगा, बहुत सारा आपको यहाँ पे ब्रश मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है। ये वाला कर सकते हो, नहीं तो गाइज थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज चलो ये वाला ब्रश को यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। सेटिंग्स को एक बार देख लो, ठीक है। सेटिंग इतना रखना होगा, साइज तो मैं पहले ही बता देता हूँ, साइज आपका मुताबिक होगा, ठीक है। तो कट कर देना है। और गाइज, यहाँ पे और एक काम करना होगा आपको, लेयर पे क्लिक करके ये वाला जो फोटो का लेयर है ना, यहाँ पे क्लिक करो और डुप्लीकेट बना लो, ठीक है। एक डुप्लीकेट बना लो, बाद में काम आएगा, देख लेना। उसके बाद गाइज, आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसका साइज को बड़ा कर देना है और कुछ इस टाइप से गाइज ऐसे राउंड राउंड से चला दो, ठीक है। देख सकते हो गाइस, फेस बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, नहीं तो मतलब वीडियो तो हो जाएगा बहुत मिनट का, मतलब समझ रहे हो, 10 minutes का वीडियो तो हो ही जाएगा। और देख सकते हो गाइस, कुछ इस टाइप से यहाँ पे करना होगा, ठीक है। आँखों के नीचे आपको कुछ इस टाइप से थोड़ा सा ब्रश को आप छोटा कर सकते हो, छोटा करके कुछ इस टाइप से चला देना, हो जाएगा। बस आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा आपको टाइम देना होगा। और कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा अंडर 24 hours, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हो कुछ इस टाइप से फेस को स्मूथ करना होगा। गाइस, फेस को स्मूथ करने के बाद आपको लगता है कि भाई इतना फेस मतलब कुछ ज़्यादा स्मूथ हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, जो लेयर क्रिएट किया था ना, मतलब डुप्लीकेट जो फोटो लेयर, इसको ऑपेसिटी को आप कम कर सकते हो, ठीक है। देखो इतना रहेगा, पहले आपको कम करना है तो कम ऐसे कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। और गाइस, फेस को आप गोरा करना चाहते हो और एक लेयर क्रिएट कर लो, कलर्स पर क्लिक करो, ये वाला कलर आपको रखना है। यहाँ पर नीचे आप सेटिंग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना सेटिंग आपको रखना होगा, इसको आप ऐसे ऐसे मतलब साइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद गाइज, आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आना होगा और यहाँ पे ये वाला ब्रश को आपको सिलेक्ट करना होगा। सेटिंग को आपको एक बार देखना है, सेटिंग को आपको इतना ही रखना है, मैं जैसा रखा हूँ ऐसा ही रखना है। और उसके बाद गाइज, आपको कुछ इस टाइप से फेस के ऊपर चला देना है, ठीक है। पूरा फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दो। तो
गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से, बस आपको फेस के ऊपर कलर को अप्लाई कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो लेयर क्रिएट किया था यहाँ पे क्लिक करो और कर दो यहाँ पे जो नॉर्मल का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक। देन आपको करना है सॉफ्ट लाइट, ठीक है, इतना आपको करना होगा। फेस बहुत ही गोरा हो जाएगा, इतना गोरा आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा कम कर दो, इतना कर दो सही हो जाएगा। देख सकते हो गाइस इस टाइप से एक क्लिक के अंदर फोटो एडिटिंग होता है। और गाइस ये वाला फोटो को एडिट करने के बाद सेव कैसे करोगे वो भी एक बार देख लो। सेव करने के लिए गाइस यहाँ पे ऊपर देख सकते हो थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करो और शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर पे क्लिक करके आपको करना है सेव टू डिवाइस। और गाइस ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस गाइस इतना ही था, मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।